though it is not completely true, but it is said that industry बहुत limited time देती है to build your stage. काफी जगह people like you who believes to not have plan B, तो वो इस thought को कैसे ले रहे? देखिए आपने बोला ऐसा कहा जाता है, but सुना है आपने, right? अब ये choice आपकी है. आपने ये सुना है कि लोगों ने कितना rise किया है. धर्मेंद्र बाजी जब थे, धर्मेंद्र सर, तो वो सब कुछ छोड़ के इंडस्ट्री से निकल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, और रेलवे स्टेशन पर थे. वहां उनको पता लगा कोई प्रोडक्शन मैनेजर ढूंढता हुआ है कि आपको फिल्म मिल गई है. ये आपकी चॉइस है. इंस्पायरिंग स्टोरी सुनो, आप नेगेटिव क्यों सुनते हो? ये हमारी चॉइस है ना. आप 5 सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो ना, जिनको सक्सेस कैसे मिली. रादर आप 2 नेगेटिव बातें सुनने के कि यार वो परेशान होकर चला गया. हर रीजन होगा आपके पास में जो आपको पीछे कहे. कन्वेंशनल विजडम बोलेगी ये गलत है, लेकिन आपके अंदर का जो रेबल है उसको मौका दो, उसको सुनने दो, उसको बोलने दो. आर्ट कमजोर लोगों के लिए नहीं है. हिम्मत चाहिए, करेज है ना, तभी कुछ अचीव कर पाओगे. अगर ये सब सोचोगे तो नहीं होगा. सब कुछ देने को तैयार हो तभी कुछ हासिल कर पाओगे. अगर ये नहीं, इतना दूंगा, इतने दिन दूंगा, ये बार्गेन नहीं है इस गेम के अंदर. तो सोच के प्लान भी रख लो. फिर अगर एक दिन भी यहां पर रहने का मौका मिलता है, जनरली पैशनेट हो अगर, तो मतलब हो सकता है किसी के लिए लाइफ में कुछ और बेटर करता हो. मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं कि जिसके लिए जीवन में सबसे ज्यादा सिनेमा है, तो एक दिन भी मौका मिलता है अपनी शर्तों के ऊपर रहने का तो बहुत है. आगे का हो सकता है आपकी लाइफ उसी में चेंज हो जाए. गोरखा का जो आइडिया है, जो एक रेजिमेंट के ऊपर बेस्ड है गोरखा, तो उसका आइडिया आपको कहाँ से आया था? या तो हमने ऐसा ट्रेंड ऐसा फॉलो करने की कोशिश की जो आजकल रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे मूवीज आ रही है, तो उसमें गोरखा भी ऐड हो जाती है. ऐसा हो रहा है, रियल लाइफ मूवीज आ रही है थोड़ी बहुत, जैसे कि एग्जाम्पल रियल लाइफ इंसिडेंट्स, यानी कि जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई, या अभी विक्की कौशल की भी शायद एक फिल्म आ रही है के शव शॉ के ऊपर. आपको हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल का नाम नहीं मालूम? सर माने श्याम बहादुर, वो हिंदुस्तान के 4 स्टार जनरल है जिन्होंने 1971 के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. देखिए हकीकत आपको मालूम है, 1962 के बाद आई है वो फिल्म जो 1962 की इंडो चाइना लड़ाई के ऊपर थी, बॉर्डर 1971 लोंगेवाला के ऊपर थी. तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ये इग्नोरेंस है. कब आई थी हकीकत? राजेंद्र कुमार, नाम सुना है आपने? हाँ. जुबली कुमार, एक उनकी 25 फिल्में सुपरहिट हुई थी एक साथ, उनको जुबली कुमार बोला जाता था. वो ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, और बॉर्डर जो वॉर फिल्म के अंदर सबसे बड़ी हिट है 1997, वो फिल्म ट्रू इंसिडेंट लोंगेवाला 1971 के ऊपर कुलदीप सिंह चांदीपुरा की कहानी थी. तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि अब ये ट्रेंड चल रहा है? नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा था, अब आपको ज्यादा नजर आ रहा है, फिल्में ज्यादा बन रही है, शायद पहले कम बनती थी. आपका बचे हुए आधे सवाल का जवाब और देता हूं. मैंने ये फिल्म क्यों की? बिकॉज मैं वो कहानियां बोलना चाहता हूं जो इंस्पायरिंग है, ह्यूमन वैल्यूर की. जब सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही, फिर भी आप हौसला नहीं छोड़ते, ऐसी कहानियां दुनिया को पता लगनी चाहिए. बहुत सारी फिल्में जो आजकल ट्रू स्टोरीज के नाम पर आती है, वो कहानियां आपको नहीं भी पता होंगी तो मुझे लगता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इस देश में सबको पता होनी चाहिए. वो जब हमने सब कुछ हमारे खिलाफ था उसके बावजूद भी बहुत कुछ अचीव किया, तो ये मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की जिंदगी के ऊपर आधारित कहानी है. जिस वक्त आर्मी के अंदर अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है, उसका हाथ पैर कट जाता है, आंख फूट जाती है, तो फिर वो कभी भी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जाता. ये उस शख्स की कहानी है जिसने 1971 वॉर के अंदर एक लैंडमाइन के ऊपर अपना पैर रख दिया था, और उस वॉर हीरो का पैर के चिथड़े हो गए थे. वहां पर दवाइयां नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो उसने खुखरी से अपना पैर काटा था.
और उसके बाद जब वो आया तो जो उस वक्त का आर्मी के रेगुलेशंस थे कि एक डिसेबल्ड हो ना, आप कितने भी बड़े वॉरियर हो लेकिन हो तो डिसेबल्ड ना, तो नियम के मुताबिक अब आपको कमीशन नहीं, आप क्लरिकल जॉब करोगे, आप सिर्फ टेबल पर बैठोगे और काम करोगे। उसने कहा नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं इस बात को नहीं मानता, जो दो पैरों के साथ में कर सकता है वही मैं एक पैर से कर सकता हूँ। और ये उसने प्रूव किया और उसके लिए चेंज किया गया पॉलिसीज के अंदर और वो पहला डिसेबल्ड ऑफिसर बना। उसने हर वो काम किया जो पहले समझा जाता था कि असंभव है। तो ऐसी कहानियां जो इंस्पायर कर सकें जनरेशन को, उन कहानियों की जरूरत है, इसीलिए मैं वो कहानियां बोलना चाहता हूँ, ये रीजन था मेरा। पिक्चर कब शूट होगी उसके बाद? अगले साल अक्टूबर नवंबर के आसपास शूटिंग स्टार्ट होगी। पोस्टर बहुत पहले आ चुका है। हाँ, वो रीजन है क्योंकि उनकी एज बहुत हो चुकी है और हम नहीं चाहते थे कि बिकॉज ऑफ द डेट्स वगैरह के चलते अनाउंसमेंट डिले हो, तो कहीं और वो इज नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो, तो उनके रहते ही वो देख लें ये चीज, बिकॉज जब एक उम्र दराज हो जाते हो आप तो कुछ, तो आप डेट पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है शूट कब होगा, लेकिन एटलीस्ट उनके सामने वो अनाउंसमेंट देख लें कि कोई शख्स है जो उनको पोर्ट्रेट कर रहा है इसलिए। और पांच दफा बड़ी स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं, एक कंपनी अपना स्लेट अनाउंस करती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं, प्रोजेक्शन दिखाते हैं हर साल का, तो बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं। और कुछ आई थिंक हो गया जी, बोलिए। आपसे एक स्क्रीन कर रहे हैं राइटर डायरेक्टर एडिटर, तो आप यहीं पर आके क्यों रुक गए? और क्या करना चाहिए? इसमें हम देखते हैं हमारे राइटर जो कहानी आप लिखे, डायरेक्टर बन के आप खुद ही दिखा दो, हो सकता है एडिटर वो नहीं दिखाया तो इसलिए एडिटर बन गए, लेकिन एक्टिंग में आपका कैमरे के पीछे ही बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। मैं उसके लिए एक अलग तरीके की कला की जरूरत होती है जो मेरे अंदर नहीं है। मैं कहानियाँ सुना के खुश हूँ और 100% कंट्रोल चाहता हूँ अपनी कहानियों पर, इसलिए ये तीन चीजों के अंदर ही एब्सोल्यूट कंट्रोल है। पहली बार मैं देखा तीनों का तीनों जो है जो पूरे कहानी कंट्रोल कर लेता है। नागेश जी आप साइन कर लो हीरो। जम्मी बैठ जब उन्होंने बनाई तो उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं आपकी जैसी थी कि वो भी अपने आप को कहते हैं एक्सीडेंटल डायरेक्टर, तो अचानक से जाके एक फिल्म डायरेक्ट करना बिना उस बैकग्राउंड के, तो सारी चीजों को मैनेज करना आसान रहा या फिर डिफिकल्ट रहा? देखिए मैं तो सोच समझ के आया हूँ यहाँ, एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैं अपने शहर से जब निकला तो यही सोच के कि फिल्म बनाने आ रहा हूँ, और जब मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ तो फिर इसमें थोड़ी अगर परेशानी बार्गेन में मिल भी जाए तो बहुत मामूली सी बात है। जर्नी कोई भी आसान नहीं होती है, आप जीवन में कुछ भी करें, हम 11 क्रिकेटर्स को जानते हैं या मुश्किल से हम 22 को जानते होंगे अपना, लेकिन लाखों लोग कोशिश करते हैं। हमको आज उनकी ग्लोरियस पीरियड मालूम है बट वो उसके पीछे कितनी मेहनत है वो तो कोई नहीं जानता, सबको करनी पड़ती है। तो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल होता ही है किसी भी चीज़ का, मुश्किल होता है कभी आसान होता है कभी मुश्किल होता है, मगर ये साइकिल है चलती रहती है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो मतलब बहुत मामूली सी बात है कि आप आओगे शुरू में किसी को जानते नहीं हो, तो आपके जमशेदपुर में भी आपको इतना वक्त तो लगा ही होगा, अगर आप किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो भी शायद आपको नए लोगों से जान पहचान में वक्त लगेगा, तो नए शहर में भी वही होता है। और फिर एक नई लाइन शुरू कर रहे हैं तो समझने में कुछ वक्त तो वैसे ही निकल जाता है मुंबई को जानने में, लोगों को जानने में, और फिर चीज़ें होती रहती हैं जी। सर आपने जैसे क्रिकेट पे तो मूवी बना ली, अब किसी और गेम पे भी प्लान कर रहे हो या किसी स्पोर्ट्स? नहीं, मैंने अभी आपको देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बात बोली ना कि मैं अभी तो अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, एक ही जैसी चीज़ों के ऊपर नहीं। और 83 मैंने डायरेक्ट नहीं की, मैं करने वाला था पर मैंने लिखी है सिर्फ, डायरेक्ट अभी फिलहाल वो किसी और ने की है, तो
ये है, बट लेकिन सेमी स्पोर्ट्स तो मेरी पहली फिल्म लाहौर भी थी किकबॉक्सिंग के ऊपर जो थी, तो अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है स्पोर्ट्स के ऊपर। ऐसा कोई रीजन मेरे को भी नजर नहीं आता कि स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि आजकल तो किसी के ऊपर भी बन रही है। तो हमें हमारे हीरो भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किन के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, बाकी वो इंस्पायर करने वाले हैं या जस्ट हैको फिटअप बना रहे हैं। सर जी, सर एक फिल्म का तो स्टैंडर्ड टाइम 90 मिनट्स होता है, तो मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम कितना होता है जब हम वो फिल्म को फीचर फिल्म बोल सके? 60 मिनट के ऊपर, ये वरी करता है अलग अलग जगह पर, बट मैं इंटरनेशनली बोल रहा हूँ आपको 60 मिनट के ऊपर कुछ एक मतलब अब ये चीज ऑस्कर एंड सर्टेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइक कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो, ये जो है 60 मिनट के ऊपर ये फीचर कंसीडर करते हैं। तो 60 के ऊपर सब कुछ फीचर है, 60 के नीचे जो है वो शॉर्ट फिल्म हो जाती है, और कुछ जगह पर 50 मिनट भी है, कुछ जगह पर 70 मिनट भी है। तो ये इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। रही बात फिल्म की लेंथ की, अगर आप बोल रहे हैं तो अभी हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 घंटे की लेंथ चल रही है जो आप कमर्शियल फिल्म्स की थिएट्रिकल रिलीज होती है। पहले 3 घंटे की होती थी, फिर 2.5 घंटे, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो 2 घंटे 40 मिनट की होती हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं, आप अपनी कहानी जितने इफेक्टिवली कह सकते हैं, जैसे हॉलीवुड के अंदर है वहाँ पर 120 पेज की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की जाती है, और वो जो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है जिस पर आप लोग काम करते होंगे, तो उसमें एक पेज जो है वो 1 मिनट कंसिडर होता है, यानी कि 120 पेजेस इज 120 मिनट्स, तो वो 120 मिनट की 2 घंटे की फिल्म होती है। इंडिया में इतना स्ट्रॉन्गली फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रिफर करते हैं कि बाद में एडिट करके अगर आपकी 2 घंटे की फिल्म है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन इकोनॉमिक्स का है। आपकी फिल्म 2 घंटे की है तो आपके शो टाइमिंग आपको ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट का गैप तो उनको अपने पॉपकॉर्न समोसा बेचने के लिए चाहिए एग्जीबिटर्स को, उसमें ज्यादा फायदा है बिकॉज आपकी टिकट शायद 240 रुपए की आती है से लेकिन 400 तक, लेकिन वो सोडा पॉपकॉर्न वगैरह जो वो बेचते हैं वो 500 से 1000 का होता है, तो उनके लिए वो प्रॉफिटेबल चीज है। अगर आपकी 2.5 घंटे की या 3 घंटे की 3 घंटे की फिल्म है तो उसके 3 शो मिलेंगे, वो 3 बार बेच पाएंगे, लेकिन अगर 2 घंटे की फिल्म है तो उस टाइम को कैलकुलेट करके आप देखिएगा उनको 5 शो मिलते हैं तो वो 5 बार बेच पाते हैं। तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं है इसका, मगर आपके कन्विक्शन से आपकी कहानी अगर आपको लगता है कि 2 घंटे 10 मिनट में है तो आप 2 घंटे 10 मिनट में कहिए। सर जैसा कि देखा जा रहा है कि ये एक्टर्स का दौर है, यहाँ लोग कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, एक्टर्स की एक्टिंग देखना पसंद कर रहे हैं। एक समय था जहाँ पर लोग सुपर स्टार्स को देखने आते थे, है ना। इस समय में किसी सुपर स्टार को लेके फिल्म बनाना, जैसे कि चैलेंजेस आते हैं कि पहले तो उनकी टाइमिंग नहीं होती और आते भी तो बहुत कम सेट पे, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसमें गोरखा या इस तरह के इतने सेंसिटिव टॉपिक और इतने जिस पे आपने इतनी रिसर्च इतना काम किया है, कितना बड़ा मतलब चैलेंज भी है और रिस्क भी है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कहानी आप देखते हैं और जिसकी वजह से आपको लगता है कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल है जिन एक्टर्स में उनकी फिल्म्स आ रही हैं या उनको ओरिजिनल बोलते हैं जो डायरेक्ट टू डिजिटल होती हैं, सीधे मतलब वो थिएटर पर नहीं आती हैं और सीधे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती हैं, और या सीरीज के अंदर मिनी सीरीज 8 एपिसोड एक और सीजन जो सीरीज होती है उसमें आती है, उनका एक सर्टेन बजट होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको कहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जब मैं बात करता हूँ कि मैंने क्यों उनके साथ में गया अक्षय सर के, बिकॉज ये 1971 की बात है, वॉर हो रही है और एक वॉर में इंडिया की एक बटालियन है लेकिन पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड हैं, 2 ब्रिगेड के अंदर 9000 लोग होते हैं तकरीबन, एंड ऑफिसर्स, फिर इन्फेंट्री, टैंक, रेजिमेंट, और ये कोरियोग्राफर ऑर्गेनाइज वे के अंदर पिक्चराइज करना, इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। जो आपकी फिल्म का बजट कॉस्ट क्या है इसको बोलते हैं बिलो द लाइन, BTL एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, बिलो द लाइन, उसके अंदर ये करते हैं कि अगर इस फिल्म को बनाने की कॉस्ट, एक्टर्स को हटा दीजिए, अगर इसकी कॉस्ट 50 करोड़ है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 करोड़ है, तो ये गारंटी कौन देता है आपको कि मिनिमम ये रिकवरी आ जाएगी, तो फिर वो आपके पास में सुपर स्टार्स होते हैं जो गारंटीड इतनी रिकवरी वर्ष डे के अंदर भी आपको देंगे कि आपकी ये प्लस उनके ऊपर उनकी फीस लोड होती है, ये रिकवरी को आपको गारंटीड करते हैं कि इन अ वे आप डी रिस्क हो जाते हैं एज अ इन्वेस्टर
कि आप इस अमाउंट के अंदर ही फिल्म बन सकती है, लेकिन अगर आपकी फिल्म 10 करोड़ 15 करोड़ छोटे से गांव की कहानी है, शहर में यहीं पर ऐसे ही शूट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 10-15-20 करोड़ 25 करोड़ तक आपको OTT प्लेटफॉर्म दे देता है, मगर कुछ कहानियाँ जो है वो बेरोन चली जाती हैं, तो उसी के हिसाब से आप स्टार कास्ट डिसाइड करते हो, एंड ऑफ कोर्स शूट कौन करता है उसके लिए इसके ऊपर भी निर्भर है। क्या आप जो छोटे गांव से के जो ओरिजिनलिटी है, मतलब जो संस्कृति है, उस पे कोई विजन लेके चल रहे हैं कि उस पे भी शूट करेंगे कुछ? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गांव ही दिखाना है, मैं कहानियों की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी की मैं कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इंडियन आर्मी से है, लेकिन वो ओरिजिन तो उसका भी हम सब हिंदुस्तानी है, गाँव से ही हम सबके जुड़ाव रहे हैं ना, अब जाके ये चीजें वही हम लोग शहरों में आ गए हैं। बट आज भी पूछा तो यही जाता है ना कि कौन से गाँव से, अभी भी सबको पता होता है कि अच्छा उस गांव में बात हो किसके घर से, ये सब मालूम है ना, तो कहानियां तो वही हैं बेसिकली। आप ये रूटेडनेस की बात कर रहे हैं कि जो हमारे भारतीयता है उस चीज की बात कर रहे हैं, तो ये सारी कहानी उसी चीज की है। ये एक गोरखा जो है वो इन अ वे एक इंसान की कहानी है, मगर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये हम अक्सर वॉर की बात करते हैं ना, शौर्य गाथाओं की, ये एंटी वॉर फिल्म है, ये बताती है कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन ने एक आदमी को उसके हाल पे छोड़ दिया, जो उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया, एंड वहां से उस आदमी का राइज होना और उसी इंस्टीट्यूशन को उसके ऊपर प्राउड करना, तो ये भारतीयता की ही कहानी है। हमारे यहाँ पर इस तरह की गर्व गाथाएं हर शहर, हर गांव, हर नुक्कड़, हर कस्बे के ऊपर मिलती हैं, तो कहानियां तो वही होती है, ओरिजिनल कहानी है, ये कोई वेस्टर्न फिल्म से देख के उठाई हुई कहानी नहीं है इस तरीके की। और लाहौर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी है, जो डायनेमिक्स इन दोनों मुल्कों के बीच में होते रहते हैं। बहादुर हुड जो है वो आज की सबसे बड़ी समस्या है, टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, उसके ऊपर आधारित है, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है उससे, आधे से ज्यादा दुनिया तो इसी से निजात पाने की कोशिश कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं है तो उसी चीज के ऊपर, बस ये ढिंडोरा रिपीट रही है इस बात का। अगर जैसे बड़ी फिल्म तो है ये, तो शॉर्ट फिल्म्स को भी आप डायरेक्ट करेंगे ऐसा है कोई अगर आपको पिच करता है तो? नहीं, मैं बहुत मुश्किल से फीचर फिल्म ही कर रहा हूँ, वही करते रहना चाहता हूँ, मैं सीरीज भी नहीं करता, मेरे को सीरीज भी आती है या वो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके, क्योंकि मेरी कहानियां बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम यह है जो ज्यादातर लोग मेरे मेरी कहानियों का इशू ये है, मैंने 10 साल में 2 फिल्में की हैं, ये बहुत खराब रेशियो है। मेरी पहली फिल्म आई थी 2010 के अंदर, दूसरी फिल्म आई है 2019 में, तो उसके बीच में मैं क्या कर रहा था, मैं हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी फिल्मों पे काम कर रहा था, एक थी चंदा मामा दूर की, जिसका उस वक्त बजट 150 करोड़ था, बिलो द लाइन। दूसरी फिल्म थी 83, जिसके लिए मैंने अपने जीवन के, इसके लिए 8 साल दिए थे चंदा मामा के लिए और 6 साल दिए थे मैंने 83 के लिए। तो इन दो फिल्मों में बिकॉज मैंने छोटा कभी सोचा नहीं, और हमेशा क्योंकि चीजें बड़ी सोची, इस वजह से मेरे को वक्त ज्यादा लगा, क्योंकि आपकी ये गोरखा जो फिल्म है इसके राइट्स मैंने 2015 में लिए थे, 2012 में मैंने 83 लिखना स्टार्ट किया था, रिसर्च स्टार्ट की थी उसकी, तो इस आज आती हैं जो चीजें उसके फाउंडेशन कहीं बहुत पहले पड़ा हुआ होता है, और ये वक्त लेती है, ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि आपने आज सोचा निकाल दिया, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को जरूर से ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, ज़्यादा पैशन से लेता हूँ, इसलिए वक्त भी लगता है, इसलिए मैं खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे को ये मेरी कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है, और जिस तरीके के सब्जेक्ट्स को मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ वो शॉर्ट फिल्म या सीरीज या इन सब के अंदर आते नहीं है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जो नए आ रहे हैं वो डायरेक्टली बड़ा तो करना पॉसिबल नहीं एक बार का धूम मार ले, लेकिन हम अगर छोटा कुछ लेके आते हैं तो क्या आप उसको उस वे में सपोर्ट करेंगे? लेकिन आप क्यों किसी को देना चाहते हैं, आप खुद क्यों नहीं करते? आज फिल्म बनाना कितना मुश्किल है, अगर आपके पास में आइडिया है तो आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, यूट्यूब ने आपको वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, अगर उसमें कुछ बात है, अगर मैं सही हूं तो आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, 15 मिनट की एक स्टूडेंट ने फिल्म बनाई थी जिसको $100 मिलियन दिया था सोनी कंपनी ने उसको फीचर फिल्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आज पहले वाली प्रॉब्लम नहीं है तब आपके पास में था सिर्फ फीचर ही करनी है आपको, और उसी स्ट्रगल से गुजरना है। आज आपके हाथ में कैमरा है, आपके हर मोबाइल के अंदर कैमरा है, 5D अफोर्ड कर सकते हैं, GoPro कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
या एलेक्सा या रेड मिल गया तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी है आपके पास में उससे बनाइए। आपको ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी दूर जाने की जरूरत है, यूट्यूब पर करिए। प्लस देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो शॉर्ट फिल्म्स को ले रहे हैं, और हर बजट में अपने ग्रुप को बनाओ, वहीं से एक्टर मिलेंगे आपको, वहीं से एंथुसियास्टिक आप ही लोगों के बीच में से कोई सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्टेड होगा, आप ही में से कोई एक्टिंग में इंटरेस्टेड होगा, उसके साथ में आगे बढ़ जाइए। वेट क्यों करना है कि कोई फलाना लेगा तभी कुछ होगा, आप नॉक करिए, सब लोग आपके पास आएंगे। अब आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, बट भरोसा रखे करिए। इसके विपरीत कुछ कहानियां बड़ी होती है, विजन बड़ा होता है, तो शॉर्ट फिल्म तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाना हो जो हमारे बस की बात नहीं हो, पैसों के मामले में भी और बाकी सब के मामले में, तो उसको लेके निकल जाइए शहर में और ढूंढिए उस राइट आदमी को जो आपको लगता है कि उसके लिए सही होगी। देखिए आपके पास में एक कहानी है, लेकिन हर आदमी यहाँ पे अपनी पांच कहानियां लेके बैठा होगा जो वो बहुत पैशनेट होगा, तो उनको बनाने का एक ही तरीका है। मैं अभी जो फिल्में कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे मैं वो हासिल कर सकूँ मुकाम, जिससे मैं जो कहानियां कहना चाहता हूँ उनको कह पाऊँ। ये वो नहीं है जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये तो मुझे बीच की कोशिशें हैं मेरी। अगर ये बड़ी है तो मुझे तो उससे ज्यादा बड़ी कहानियां कहनी है, उसके लिए मैं पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी एकदम से तो बड़ी कहानी नहीं कह पाएंगे, धीरे धीरे करके बताइए, शुरुआत थोड़े से कीजिए, छोटे से कीजिए, एकदम से छलांग मत मारिए, आप आज ही ओलंपिक नहीं जीतेंगे, धीरे धीरे चलिए, हो जाएगा।